नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बीएचयू पाठशाला पे आज इस वीडियो में हम लोग कोर्स डिटेलिंग करने वाले हैं, यानी बीएचयू पाठशाला पे कौन कौन से कोर्स रन कर रहे हैं और इन फ्यूचर कौन कौन से कोर्स हमारे यहाँ रन करेंगे। ये तमाम डिटेलिंग वीडियो जो है वो आप इस एक वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे। आप सभी को मैं बता दूं कि बीएचयू पाठशाला का जो कोर्स है वो ऑलरेडी रन कर रहा है अलग अलग एंट्रेंस के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए। मुद्दा ये है, हमारे पास बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही है कि सर आपकी जो क्लासेज हैं वो हमें नहीं पता है कि किस तरीके से रन करती हैं। जिन बच्चों ने अभी रिसेंट ज्वाइन किया उनकी बात कर रहा हूँ, जो बच्चे प्रीवियस ईयर से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको तो लगभग चीजें कन्फर्म है, ठीक है। तो ये वीडियो एक तरह से लास्ट तक अगर देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बीएचयू पाठशाला के कोर्स रन कैसे करती हैं और वो आपको प्राप्त कैसे होंगी, वो कैसे आप गेट कर सकते हो, ये तमाम बातें। यहाँ पे बहुत सारी चीजें नई भी आपको देखने को मिलेंगी हमारे यहाँ। तो ये जैसे कि हमारे इस बार कम्पिटेटिव एग्जाम को हम लोग ऐड कर रहे हैं और हम लोग अगर स्कूल एंट्रेंस को भी जोड़ रहे थे, तमाम स्लाइड जो है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, इस बार आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा कि बीएचयू पाठशाला का नाम जो है वो कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना है कि बीएचयू पाठशाला ही कोई और है। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक ऐप है बीएचयू पाठशाला प्ले स्टोर पे, उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। देखो नेक्स्ट अगर हम लोग स्लाइड की बात करें तो इसमें सबसे पहले है कि वाई टू ज्वाइन बीएचयू पाठशाला, क्योंकि बीएचयू पाठशाला जो है वो आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन, सीयूईटी जो नया अमेंडमेंट हो रहा है उसकी प्रिपरेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जिसमें स्टेट एग्जामिनेशन और वनडे एग्जाम आते हैं, और स्कूल की प्रिपरेशन जिसमें सीएचएस हो गया, जेएनवी हो गया, इसकी भी तैयारी कराई जाती है। यहाँ इतना ही नहीं, हमारे यहाँ इस बार जो स्कूल एंट्रेंस है उसके कुछ एक नए तरीके से प्रिपरेशन जोड़ी जा रही है, यानी फूडिंग लॉजिंग हॉस्टल के साथ यहाँ आके तैयारी कर सकते हो। तो इसका मैं भी डिटेल बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको बातें समझानी है मुझे वो ये है, सबसे पहले कि हम लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंट्रेंस की प्रिपरेशन यानी व्हाट, तो ये है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जैसे आपको क्या करना है, किसी बीएचयू में, जैसे बीएचयू हो गया, एयू हो गया, डीयू हो गया, ठीक है, जेएनयू हो गया, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज में आप कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, यूजी पीजी बीए बीकॉम बीएससी एमए हिंदी एमए हिस्ट्री एमए लिंग्विस्टिक, ये जो कोर्सेज हैं उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग इस बार पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं अपने आप को। सेकंड है कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जैसे पेट हो गया यूपी में, लेखपाल हो गया, यूपीपी हो गया, रेलवे एनटीपीसी का, और फिर एक आपका है बैंकिंग का, एसएससी का, इनकी भी जीके जीएस की जो बैचेज एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ है वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराई देगी। बेसिकली हम लोग इसमें प्रैक्टिस ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम जो तैयारी है आप लोग किए रहते हो, बेसिक से शुरू करके प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। स्कूल में मैंने आपको बताया कि सीएचएस और जेएनवी को हम लोग कवर कर रहे हैं। नया ये है कि सीएचएस और जेएनवी में जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा, इसको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अगर उसमें कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि वो आके यहाँ हॉस्टल ज्वाइन करके पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे सुविधा है। आप अपने बच्चे को यहाँ के हॉस्टल में इनरोल करा सकते हो और उनको भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था और पूरे लगभग 24 घंटे में 6 से 7 घंटे की स्टडी उनको प्रॉपर वे में दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो कोचिंग और उनका रहने खाने का पूरा एक साथ जुड़ा हुआ बिल्डिंग होगा जिसमें वो पूरा हर कुछ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस किए नया। और अब बात आती है कि कॉन्टैक्ट कैसे करना है। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्योंकि बीएचयू पाठशाला का ऑफिशियल नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब इस सेशन से हम लोग इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, चूंकि बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आ रही है तो नए नंबर को इंट्रोड्यूस करना ज्यादा जरूरी हो गया था। तो इस नंबर पे ही आप अब व्हाट्सएप या कॉल करोगे, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, आप टेलीग्राम तक यूज कर सकते हो इस नंबर पे। जैसे ही आप व्हाट्सएप टेलीग्राम या कॉल करते हो आपको फर्दर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ पे एक मुद्दा ये है कि हमारी जो कोर्सेज है वो स्टोर पे नहीं होती है। देखो कोर्स पे जब स्टोर पे कोर्स डाला जाता है मतलब होता है जैसे आप किसी ऐप को जब इंस्टॉल करते हो तो वहां पर उनकी कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। बीएचयू पाठशाला पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा कोर्स ज्वाइन करे तो बकायदा पहले अपनी कैरियर काउंसलिंग करवाए, कोर्स की काउंसलिंग करवाए, खुद की काउंसलिंग करवाए, वो खुद पहले ये चीज जाने को जिस चीज तैयारी करना चाहता है वो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस कोर्स में है, किस यूनिवर्सिटी में है। तो आराम से यहाँ पे आपको एक दो मेंटर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको कोर्स के बारे में बताएंगे बकायदा। तो आप जब इंटरेक्ट हो जाओगे टीचर से, अपने यहाँ की फैकल्टीज से, तब ज्वाइन करोगे तो उसका एक अलग मजा होता है। डेट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9151780747 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है
या फिर आपको टेलीग्राम करना है, बाकी सोशल मीडिया पे भी आप कांटेक्ट करोगे बीएचयू पार्ट सलाह के, तो वहां से भी आपको सेम प्रोसेस बताया जाएगा कि आप यहाँ पे कांटेक्ट करिए और अपने कोर्स के रिकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज और भूल गया, ये है हमारा पाठशाला एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही आपको फिर नोटिफिकेशन जाएगा कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और उस कोर्स की डिटेलिंग आपको बता दी जाएगी, फर्दर आप उसको परचेज कर सकते हो। अब बात आती है कि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो पहले तो CUET जो कि नया इंप्लीमेंट हुआ, आप सभी को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, और सबसे ज्यादा CUET पे जो अगर वीडियो किसी ने कवर किया है तो हमारे चैनल ने ही किया है। लास्ट नवंबर से मैं इस पे वीडियोज बना रहा हूँ, जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री UGC के द्वारा। अब हम लोग इसको इससे ज्यादा कवर कर रहे हैं क्योंकि अब ये लगभग अपने लास्ट स्टेज पे है इंप्लीमेंट होने के, तो CUET जो है इस पे सेपरेट वीडियोस दे रहे हैं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि CUET पे आने वाले हर एक अपडेट को फॉलो जरूर करिएगा। CUET को तो मैं सीधा सही समझता हूं कि CUET यानी प्रैक्टिस ज्यादा करना है, कंपटीशन लेवल बढ़ेगा और आपके लिए एक नया टास्क जनरेट होगा कि एडमिशन बहुत ही हार्डली मिलने वाला है, तो मस्ट प्रिपरेशन करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मुद्दा और आता है कि सर हम 12वीं में हैं तो हम कैसे तैयारी करेंगे, तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं ले आऊंगा। और ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो बैचेज हैं वो खासकर फ्रेशर और जो बच्चे अभी फिर आल पास आउट हो चुके हैं 12वीं में उनके लिए, यानी टारगेट और जो फाउंडेशन के बच्चे हैं दोनों के लिए हमारे यहाँ बैचेज अलग सेपरेट तरीके से तैयारी कराई जा रही है, जिससे कि उनका ना बोर्ड एग्जाम डिस्टर्ब हो और जो बच्चे ऑलरेडी पास हो चुके हैं उनका टाइम ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हम लोग BHU, JNU, AU, JMI, BBAU, BBAU ध्यान दीजिएगा कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इस बार फॉर्म काफी अच्छे पड़े थे तो इसको भी टारगेट किया जाएगा। DU को रखा जाएगा, MGKBP, DDU, LU, AMU एंड मेनी अदर मोर यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं। ध्यान देना CUET हो जाएगा तब तो पूरे यूनिवर्सिटी अपने आप इसमें कवर हो जाएंगे। CUET इनकेस लास्ट स्टेज में अगर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अभी मैं बताया कि अभी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लास्ट स्टेज के इंप्लीमेंटेशन पे है, जरूरी नहीं है कि इंप्लीमेंट हो जाए, उस पे हम लोग कंटिन्यू वीडियो आपको दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। अगर अलग भी होता है तो भी इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है जो कि अपने आपको कंबाइंड एंट्रेंस में डालेंगे ही डालेंगे, इसलिए भी आपको जरूरी है प्रिपरेशन करना। अब आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसको किसको कवर कर रहे हैं, तो SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPTET, एयरफोर्स में वाई ग्रुप ओनली, अभी एक्स हम लोग नहीं रखे हैं, ध्यान रखिएगा। UPP, लेखपाल एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, इसमें बेसिकली हम लोग ध्यान देना कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक से लेके पूरे GK GS की प्रिपरेशन भी इसमें कराई जाएगी। स्कूल एग्जामिनेशन में बता दिया, पहले आपको 6th, 9th एंड 11th CHS को कवर करेंगे, चूंकि CHS लगभग 2 सालों से मेरिट बेस हो रहा है, लेकिन जो लास्ट टाइम का CHS पे कमिटमेंट है BHU ऑफिशियल का, वो ये है कि हम लोग 2 साल के बाद इसको इंट्रेंस कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। इन केस इंट्रेंस होता है तो मैं आपको ऑफिशियल अपडेट भी देता हूं, ऐसा मुझे पता चल जाएगा तो हम लोग CHS की तैयारी में जोर लगा देंगे, अदरवाइज अभी तक का अपडेट तो यह है कि मेरिट बेस ही होता है। तो इसीलिए आप अगर CHS की तैयारी किसी भी जगह पे कराने जा रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन में अगर भी ज्वाइन कर रहे हो, तो एक बार अवेयर हो जाना कि CHS अभी 2 बार से मेरिट बेस करा रहा है, तो इंट्रेंस होगा नहीं होगा श्योर नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे यहां अगर ऑफिशियली पता चल जाता है तो हम लोग इस पे जोर दे देंगे, क्योंकि बैचेस तो बनी है, तैयारी भी हो रही है। ठीक है, JNB की बात मैंने पहले आपको बता दी कि यहां पे फूडिंग, लॉजिंग और एजुकेशन तीनों चीजें आपको दी जा रही हैं। अगर JNB की तैयारी करना चाहते हो तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, JNB सैनिक और यहाँ पे एक विद्या ज्ञान भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा कि एक NGO के थ्रू चलता है विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल तो मोस्ट फेमस है। ये तमाम कोर्स अगर स्कूल में आप जाना चाहते हो तो इसके लिए हमारे यहाँ फूडिंग, लॉजिंग यानी हॉस्टल के साथ एजुकेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इन्फो अबाउट और बैचेज, हमारे यहाँ बैचेज कौन कौन से रन कर रहे हैं। तो CUET प्रिपरेशन का हमारे यहाँ एक सेपरेट बैच है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ स्लाइड में। UG कोर्सेज में BA, BLLB, LLB, BEd, BSc, BVOG, BCom, BFA एंड अदर कोर्सेज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने LLB और यहाँ पे मैंने BEd, इसको मैंने UG कोर्स में रखा है क्योंकि BHU अभी तक इन कोर्सेज को UG में ही कराता है, यही रीजन है कि इनका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा ईजी भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बैचेज हमारे यहाँ रेडी है, आप LLB और BEd को UG में ही देखिएगा क्योंकि इसका फॉर्म भी UG ही क्राइटेरिया से भरी जाती है, लेकिन कोर्स PG का है। ठीक है, यहीं पे BALLB 5 ईयर को भी इंट्रोड्यूस करा दूं, चूंकि हमारे यहाँ फर्स्ट रैंक का सूर्यांशु सिंह का वीडियो गया हुआ है, आप लोग देखिएगा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। वैसे हमारे यहाँ समय एक बात बता भूल गया बताना आप क्या कर रहे हो, BHU पाठशाला टॉपर स्टॉक ओनली अगर आप सर्च करते हो तो आप बहुत सारा BHU पाठशाला के टॉपर्स के वीडियोज प्राप्त कर लोगे। हमारे इस बार का जो करंट रिजल्ट है, पिछला रिजल्ट तो फर्स्ट रैंक रहा है, इस
इस बार भी करंट रिजल्ट जो है गर्ल्स में फर्स्ट रैंक अंजलि चौरसिया का हमारे यहाँ आया हुआ है, उनके टॉप स्टॉक भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खुद बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप ऐसे संस्था जुड़ो जहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ये बात ध्यान देना, कहीं भी जुड़ने से पहले आप एनालिसिस कर लेना कि हाँ कहाँ पे आपको बेहतर मिलेगा एज कंपेरिजन फी एंड फैकल्टी दोनों डबल एफ। ओके, यहाँ पे पीजी कोर्सेज में हमारे यहाँ एमए पॉलिटिकल साइंस रनिंग में, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए कॉमन पेपर, यानी कॉमन पेपर में यहाँ पे लगभग 9 कोर्सेज एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाए जाते हैं जो कि बीएचयू में होता है, ध्यान देना, ठीक है। और एमएससी में कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके साथ मैंने जो एमए के कोर्सेज नहीं लिखे, जैसे लिंग्विस्टिक नहीं लिखा है, फ्रेंच नहीं लिखा है, जापानीज नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसकी भी कोर्सेज के लिए आप इंक्वायरी अगर वीडियो देख रहे हो तो करना जरूर, जब तक आप कॉल करोगे तब तक शायद हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाए, फैकल्टी अगर मिल जाती है। अच्छा, एक बात और, हमारे यहाँ जो फैकल्टी है मैक्सिमम फैकल्टी जो है वो बीएचयू से रन करती है, यानी बीएचयू के स्टूडेंट ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा क्योंकि सब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग लगभग सिविल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता है, अपनी जनरेशन से अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो पाता है, आपकी लैंग्वेज को, आप उनकी लैंग्वेज को और आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इजिली नॉलेज शेयर हो जाता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि जो एक एज डिफरेंस जो सेपरेशन होगा वो ज़्यादा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है और एक्सपीरियंस है लगभग 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, क्योंकि वो लोग जब बीएचयू में आए तब से अपना कहीं होम ट्यूशन, कहीं पे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए और बीएचयू पाठशाला पे बहुत सारे मेंटर जो कंटिन्यू स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। तो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, जैसा कि मैं आपको भी डेमो भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारे यहाँ देखिए जो क्लासेज हो एपिक किस तरीके से अरेंज की गई हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे सुहाना मैम की क्लास मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने देखिए अपनी क्लास का पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर ये तो इनकी स्टडी मटेरियल की कॉलम है, ठीक है। अगर इनके वीडियोज की कॉलम को देखें, ये भी स्टडी मटेरियल का कॉलम है, आप समझ रहे हो, हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल भी आपको सेम उसी कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। यानी आप हमारे यहाँ फुल कोर्स परचेजिंग जब करते हो तो स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज फ्री अवेलेबल है, उसमें 500 की टेस्ट सीरीज फ्री अवेलेबल है और साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया जाएगा। अगर उनके वीडियोज की बात करें तो देखो यहाँ पे इनकी वीडियोज रहती है, इस तरीके से दी जाएगी। और मैक्सिमम कोर्स क्लासेज में आपको मैं बता दूं कि 2-2 टीचर अवेलेबल होंगे। जैसे मैं पॉलिटी की फैकल्टी की बात करूं तो यहाँ पे पॉलिटी बाई विशाल सर, पॉलिटी बाई सुमित सर, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पीपीटी बेस्ड भी आपको क्लासेज मिलेंगी। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 2-2 टीचर होंगे तो पढ़ना किसको है। आपको मैं बता दूं कि घुमा फिरा के अगर पूरे लेक्चर की बात करें, पूरे टॉपिक की बात करें, 20-22 होता है, ठीक है, 20-22 होता है। अब यहाँ पे आप चाहो तो पहले विशाल सर को टारगेट कर लो, चूंकि विशाल सर बाइलैंग्वेज पढ़ाते हैं, सुमित सर जो होते हैं वो एक लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे, पीपीटी वाले में ओनली इंग्लिश प्रीफर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है ना, प्लेलिस्ट में हर अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बैच इंग्लिश के लिए ज्वाइन करो, कोई हिंदी, आप एक ही बैच में हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हिंदी ज्वाइन से वीडियोज देखने हैं कि आपको इंग्लिश से देखने हैं। अब आप ये सोच रहे हो सर आप दोनों क्यों दे रहे हो, दोनों देने का देखो मकसद क्या है, क्योंकि आप एंट्रेंस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए या किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जोड़ रहे हो। ज्यादा अच्छा है कि जब आप कोई भी शब्द को हिंदी में जानते हो तो इंग्लिश में भी जानो, उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आप जब दो लैंग्वेज में पकड़ होगी तो कभी भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, यही रीजन है। चूंकि जैसे एलएलबी की बात करें, जनरली हम लोगों ने इस पे ज्यादा जोर इसलिए दिया क्योंकि एलएलबी में आगे की स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी जब आपका दाखिला हो जाएगा तो ज्यादा प्रिफरेबल जो अच्छी किताबें होती हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो इंग्लिश में आती हैं, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हिंदी में कराई जाती है। तो हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश को दोनों को डाला कि आप तैयारी दोनों लैंग्वेज में करो, जैसा आपको प्रेफरेबल लगे, जैसा आपकी च्वाइस हो, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए दोनों लैंग्वेज का, कि सिलेक्शन के बाद भी आपको मुनाफा होता रहे। ये रीजन है कि हम लोग बोथ लैंग्वेज में आपको दे रहे हैं और डबल टीचर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रणव सर भी हैं, सुरभि मैम भी। मैंने आपको बताया कि लगभग हर एक कोर्स में आपको डबल टीचर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उनकी क्लासेस की ड्यूरेशन जो है 52 मिनट, 35 मिनट, यहाँ पे 1 आवर की एक क्लास है और यहाँ पे भी एक 1 आवर की क्लास है, यानी इनकी क्लासेज एवरेज में 45 मिनट जाएगा, उसके प्लस में जाएगा। पहले ही कंडीशन पूरे मेंटर्स को दिया गया है कि आप अपनी क्लास को 45 मिनट रखोगे,
जिससे कि आप एक बार में बैठो तो आप अपनी क्लास को कंप्लीट करो और मैक्सिमम से नॉलेज आप इकट्ठा करके बैठो, ठीक है। क्योंकि हर कुछ टारगेटेड है, बैच को कंप्लीट इतने दिनों में कराना है, फिर इसकी रिवीजन इतने दिनों में करनी है, फिर इसकी प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज देनी है, फिर इसकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराना है, यानी आपका जो बीएचयू पाठशाला का ऑनलाइन पोर्टल होगा वहां पे फिर हम लोग ऑनलाइन आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि इनकेस इन फ्यूचर अगर आप सीबीटी मोड चूज करते हो पेपर देने के लिए तो आपको प्रैक्टिस रहे कि ऑनलाइन पेपर कैसे देते हैं। ये तमाम बातें जो आपको मैंने बताई। नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक सीयूईटी का सेपरेट सेक्शन ही रख दिया इस वीडियो में, क्योंकि सीयूईटी जो है एक नया अमेंडमेंट है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसको समझना जरूरी है। सीयूईटी क्या है, मैंने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये एक नया पूरा अमेंडमेंट ही होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अब आपको सेपरेट सेपरेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म ना डालना पड़े, चूंकि ये ऑफिशियल नहीं है। ध्यान देना, अगर आप वीडियो पाठशाला के फॉलो करते हो, खासकर नीट सर के वीडियो अगर फॉलो करते हो, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड लेटेस्ट अपडेट एंड ऑफिशियल अपडेट्स के लिए एकदम अवेयर रहना, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ इस पे आने वाली हर एक अपडेट को पहुंचाऊंगा, वो भी बहुत ही प्रूफ के साथ, 100% सियोरिटी के साथ, ठीक है। अब यहां पे आता है कि सीयूईटी का जब अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाता है तो सिलेबस क्या होगा। यहां पे बेसिकली जो चर्चे में है वो दो टाइप्स के एग्जाम की बात की जा रही है। एक कॉमन पेपर, जो कि किसी भी कोर्स में यूजी लेवल पे दाखिला लेने जाओगे तो यू हैव टू मस्ट अटेम्प्ट एप्टीट्यूड सेक्शन। उसके बाद एक सेक्शन आपको दिया जाएगा, वो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, यानी एज पर चॉइस आप जिस कोर्स में जाना चाहते हो उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट्स की पेपर देनी पड़ेगी। इन दोनों के भी सेक्शन में आपको स्टार्टिंग बताया कि हमारे यहाँ बैचेज बनी हुई है जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे हैं, बाकी आपके कुछ अलग अलग कोर्सेज में जो जीके जीएस का पोर्शन है उसको हम लोग कवर किया जा रहा है। जैसे ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है मेरे प्रिय मित्रों, उसके लिए हम लोग तैयार हैं, तुरंत हम लोग अपने कोर्स को अपडेट करेंगे और इस प्लेलिस्ट को पूरा एकदम वेल वेरीफाइड अरेंजमेंट में आप तक पहुंचा देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है हाउ टू ज्वाइन पेड कोर्सेज। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एक ऐप ज्वाइन करना है, बीएचयू पाठशाला हमारी क्लासेज यही रन करती हैं, हमारी बैचेज हमारे ऐप पे नहीं शो करेंगी, क्योंकि सभी बैचेज जो हैं, जो पेड बैचेज हैं, वो हमारे यहाँ प्राइवेट रखी गई हैं। आप इस नंबर पे इंक्वायरी करोगे और उसके बाद आपको कोर्स बैच का एक कोड दिया जाएगा, उस कोड को जाके वहां पे डालना रहता है। इसका प्रोसेस मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि वो जब आप परचेज करोगे तो आपके जो भी काउंसलर होंगे वो खुद आपको बता देंगे और एक डेमो वीडियो भेज देंगे कि आपको अपनी क्लासेस कहां मिलेंगी, कैसे मिलेगी और उसका टाइम टेबल एवरीथिंग क्या होगा। सो मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले, बीएचयू पाठशाला आज ही ज्वाइन करें। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, टॉप 100 बच्चों को टेस्ट सीरीज फ्री दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर से नंबर आपको दिखा देता हूं, ये ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आपको इंक्वायरी करनी है, अपनी काउंसलिंग करानी है। वो कहते हैं कि आप हमें सहयोग दें और हम सब आपको ज्ञान और जीने की कला देंगे। तो मुस्कुराते रहिए और बीएचयू पाठशाला सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मिलके साथ पढ़ते हैं, सफलता की एक नई मिसाल कायम करते हैं। हर हर महादेव।